टीवीएस का नया शोरूम अब आपके फलासिया में। भव्य शुभारंभ, कमलेश्वर टीवीएस, नवरात्रि, धनतेरसवा, दीपावली की बुकिंग शुरू, आज ही आए। कमलेश्वर टीवीएस, कमलेश्वर प्लाजा, कॉम्प्लेक्स बस स्टैंड रोड, फलासिया। संपर्क करें 9256499328 पर। नमस्कार, मैं हूं तान्या, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। मानेसर प्रकरण बगावत थी तो 25 सितंबर को क्या कहेंगे, पायलट बोले मानसिक दिवालीपन जैसी गाली सुनने को तैयार। पेपर लीक प्रभावितों को मुआवजे की बात पर कायम। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर आरपीएससी में पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा मिलने की बात दोहराई। इस मुद्दे पर गहलोत के मानसिक दिवालीपन वाले बयान पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे ऐसी गाली सुनने को तैयार हैं, लेकिन जिन बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर यात्रा निकाली थी उन पर कायम रहेंगे। मानेसर मामले में पायलट ने कहा कि उस वक्त हम बदलाव चाह रहे थे, सुलह के बाद हमारी बातें सुनी गईं। अगर उसको कोई बगावत कहेगा तो जो 25 सितंबर को आला कमान से की गई उसे क्या कहेंगे। आरपीएससी के पुनर्गठन और नियुक्तियों पर कानून बनाने की मांग पूरी नहीं होने को उन्होंने दुर्भाग्य बताया। वह कोई घटना नहीं है, हमारे जो साथी गुड़गांव, दिल्ली, द्वारका में कुछ, फरीदाबाद में थे, हम अलग अलग जगह पर थे, हमारा इशू था उस समय, यह सच है। हम परिवर्तन चाह रहे थे, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम सब साथी जो उस सोच को लेकर दिल्ली गए थे, हम अहमद पटेल से मिले, राहुल गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से मिले, हमने अपनी बातें रखी, क्योंकि वह बंद कमरे की बातें हैं, आज मैं खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन आप भी जानते हैं हम सुलह के बाद आगे बढ़े, और जिनके बारे में आज बोला जा रहा है उन सबको अपनी सरकार में मंत्री बनाया,